MakeMeGenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.MakeMeGenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.MakeMeGenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। क्या तुम जानते हो हर एक जीवित प्रजाति का एक जीवन चक्र होता है? ठीक है, मैं तुम्हें जीवन चक्र के बारे में बताता हूँ। इस पिक्चर को देखो, ये एक साधारण जीवन चक्र को दिखा रही है। सभी जीवित प्रजातियाँ अपने पूरे जीवन काल बढ़ती रहती हैं। ये अंडे या बीज से शुरू होती हैं, जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और प्रजनन करती हैं। पेड़ या पशु मिलने पर बच्चे पैदा करते हैं। ज्यादातर पशुओं का जीवन चक्र बहुत साधारण होता है। ज्यादातर पक्षियों का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। अंडे की देखरेख करने पर चूजा बाहर आता है। चूजा अपने माता पिता की तरह होता है। इनके पर चोंच और पैर होते हैं, पर ये पूरी तरह विकसित नहीं होते। पहले माता पिता को इन्हें आहार देना पड़ता है क्योंकि वो अपने आप खाना नहीं ढूंढ पाते। धीरे धीरे इनके पर विकसित हो जाते हैं और वो अपने माता पिता